क्या बताना था? मैं तुमको ही कॉल करने वाली थी। क्या बात है बताओ, फिर क्या बात है बताओ। मतलब आ नहीं सकती हो तो तुम व्लॉग में नहीं आओगी और ना मुझसे मिलोगी। अरे तो मैं बात कर रहा हूँ मम्मी से। क्या हो गया आंटी, क्यों नहीं भेज रहे वीडियो बनाने? क्या ऐसे क्यों, मतलब क्यों मना कर रहे हो? मतलब कोई तो रीज़न होगा ना भाई। लोग लास्ट वीडियो असिस्टी के साथ ही, कल से नहीं आएगी हमारे साथ वीडियो में। हेलो जी नमस्ते, फ्रेश गुड मॉर्निंग। तो कैसे सारे, होप सारे अच्छे हो, फिट एंड फाइन हो, मस्त हो। वेलकम टू द चैनल एस3 के व्लॉग। मेरा नाम सिद्धू एंड गाइस मैं भी एकदम मस्त हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। मतलब आपके सिद्धू भैया जो आपसे बोलते हैं आप वो लोग करते हो और डेफिनेटली कर रहे हो। एंड मैंने आपसे बोला गाइस वीडियो को शेयर किया करो, तो आप लोग वो भी कर रहे हो। एंड मेरे को काफी सारे मेंशंस भी आते हैं सिद्धू भैया हम आपके वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई दिल से सपोर्ट आप लोग मुझे कर रहे हो ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के। अपने जो व्यूज है ना अब वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, जैसे हम लोग पहले वर्क कर रहे थे सेम एज इट इज हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। और जो अपने व्यूज है ना अब वो थोड़े फ्लो में आ रहे हैं। एंड मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि अपनी आर्मी जो है अब एक स्टेबल हो रही है धीरे धीरे। एंड कई लोग जो चले गए थे अब वो वापस आ रहे हैं। तो गाइज इसी के साथ करते हैं आज का नया व्लॉग स्टार्ट। तो चलो गाइज निकलते हैं मोटो व्लॉग पे, एंड आगे स्टोरी मैं आपको मोटो व्लॉग बताऊंगा। हेलो भाई, आर्मी आ चुकी है गाइज मोटो व्लॉग पर। एंड भाई लोग अभी पता ऑगी में पता फूल के नाम पे पता बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल उसकी टंकी है ना भाई बिल्कुल सूख चुकी है। आप लोगों को पता है मेरे पिछले व्लॉग में देखते आ रहे हो कि मेरे से फ्यूल कब से नहीं डलवा रखा है। तो आज तो भाई बिल्कुल इमरजेंसी हो चुकी है, इसे फ्यूल डलवाना ही पड़ेगा और डलवाना ही पड़ेगा। सो गाइस हम लोग पहुंच गए भाई फ्यूल पंप। पेट्रोल डलवाना है? पेट्रोल डलवाना है? अच्छा इसमें कहाँ डलेगा? अच्छा टंकी में डलेगा। अच्छा पीछे भाई फुल कर देना, बस रोक दो। गाइस अभी देखो अपना टैंक बिल्कुल फुल हो चुका है, सामने देखो। चलो इनाफ है अभी, ओके भैया। सो गाइस अभी जो इसका फ्यूल अप हो चुका है एंड अभी सिस्टर को फोन कर लेते हैं, वो फटाक से रेडी होकर आ जाएगी। मैंने उसको बोल के रखा था कि रेडी हो जाना, तो वो अब तक रेडी हो चुकी होगी। तो मैं उसको फोन कर देता हूँ अभी आगे रुक के। ओ भाई बिजी जा रही है, देखो भाई देखो बिजी जा रही है, बिजी। एक बार और करते हैं, लगेगा इस कॉल लग गई। हेलो कहाँ बिजी हो भाई? हाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ पता चल गया मुझे तुम तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम यार। चलो मजाक मत करो, मैं कह रहा हूँ कहाँ पर हो? अरे मैं घर हूँ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, ठीक है रेडी हो जाओ फटाफट। मैं क्या कह रही थी, मेरे को तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना था? तुमको ही कॉल करने वाली थी। अरे तुम इसलिए मुझे ही कॉल कर रही थी अभी? हाँ। देख रहे हो भाई लोग मुझे फोन कर दी, मैं कह रहा ना तो रेडी हो जाओ फिर मिल के बता देना। अरे नहीं अभी बताना था। क्या बात है बताओ, फिर क्या बात है बताओ। मतलब आ नहीं सकती हो? मतलब अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं था मम्मी ऐसा ऐसा करके आएगी फिर फोन के उससे? तो फोन तुमने लिया थोड़ी है, फोन कह क्या कहेगी? बट फिर मम्मी कह रही है। क्या कह रही है मम्मी? कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मुझे नहीं पता। ऐसा थोड़ी होता है यार, मैंने अबे फोन तो तुम्हें दिया भी नहीं अभी तक, तो मम्मी क्यों मना कर रही है? अरे तो तुमने वीडियो तो डाली थी ना। वीडियो डाली थी तो उसमें फोन लेते हो तुम्हें दिखाया थोड़ी है, तुमने तो साफ मना कर दिया था। एंड मैंने पिछले व्लॉग में क्लियर कर तो दिया है कि तुम्हें फोन क्यों नहीं दे रहा हूँ। अरे बट तब भी मम्मी कह रही है यार, मैं क्या कर सकती हूँ? तो तुम व्लॉग में नहीं आओगी और ना मुझसे मिलोगी? नहीं। क्यों भाई? मम्मी कह रही है ना। अच्छा मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी अभी। अरे तो मैं बात कर रहा हूँ मम्मी से। तुम क्या बात करोगे? मैं कन्विंस कर लूंगा मम्मी को, पूछ लूंगा ना कि क्यों मना कर रही है। मैं घर आ जाऊँ फिर? ठीक है चलो मैं घर आ रहा हूँ। तो तुमने मम्मी को कन्विंस नहीं किया जरा सा भी? अरे मैंने बोला मम्मी को। अबे यार चलो मैं घर आ रहा हूँ ठीक है। गाइस देख रहे हो ये आईफोन के चक्कर में कितना स्यापा हो गया, उसकी मम्मी ने उसे लग रहा है अब मेरे साथ घूमने के लिए मना कर दिया और ना वो वीडियो में आएगी। लेट्स सी गाइस, फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ उसके। एंड मम्मी क्यों मना कर रही है भाई वो ही पूछ लेंगे यार, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो सिस्टर ने फोन लिया भी नहीं है तो मम्मी मना क्यों कर रही है, कोई वैलिड रीजन तो पता चले। अभी सीधे जा रहा हूँ मैं सिस्टर के घर पे एंड वहीं पर जाके भाई सारी बात पता चलेगी। ए बुरी व्हाट्सअप क्या हाल होती? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम कहाँ जा रहे हो रेडियो के भाई? रामनगर। क्यों? बढ़िया भाई बढ़िया। कैसे तो लेते को ले लूँ ब्लॉग में, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ठीक है, ये तो फिर अपना बंदा है भाई। अबे बताओ ना क्यों मम्मी मना कर रही है? अभी इधर पहले इधर पहले इधर क्या बोलूँगा मम्मी को मैं? क्या बोलूँगा मम्मी को मैं? क्या बोलूँगा? तुमने कन्वेंस भी नहीं किया, मतलब कुछ बोला नहीं? बोला कि मम्मी वीडियो बनाने दो तो क्या हो गया, समझाया थोड़ा बहुत? झूठ बोल लियो कसम से? बोला सच बताओ? आ जाऊँ पक्का? चलो 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 चलो। आंटी नमस्ते, कैसे हो आंटी? क्या हो गया आंटी, क्यों नहीं भेज रहे वीडियो बनाने? क्या ऐसे क्यों, मतलब क्यों मना कर रहे हो? मतलब कोई तो रीज़न होगा ना, मतलब कि पहले तो आप भेज देते थे इसको, मतलब साथ में आएगी भी नहीं है?
बैठ जाऊंगा भाई। तो इसने बताया नहीं कि क्यों मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो आप? क्यों? आंटी क्या हो गया बताओ ना प्लीज। कोई दिक्कत है मतलब कुछ हो रखा क्या मेरी वजह से, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो ना यार। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ है? किस वीडियो की वजह से? किस वीडियो बताओ ना फिर। अरे तो मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। अरे बैठ जाऊंगा यार, बैठ जाऊंगा, तो जितना मत करो बैठ जाऊंगा। पहले मेरे को बताओ ना सही क्या हुआ, क्या बात क्या है ना, एक्चुअल पता तो चले। आंटी प्लीज बताओ ना, आप ही बता दो ना क्या हुआ है, ये तो बताएगी नहीं। अरे बोलो कुछ भाई। आंटी कोई रीज़न तो हो ना कि पता तो चले कि हाँ सिद्धू ऐसा हुआ है ना, ऐसे पता ना, पता तो चले कि हाँ ऐसा था और ऐसा सा हुआ है। क्या दिल्ली जा रही हो तुम? ये दिल्ली जा रही है? तुमने मुझे कब बताया दिल्ली क्या है ऐसा? इसकी जॉब लग गई है? तो जॉब लग गई, तुमने मुझे बताया ही नहीं, इसलिए मना कर रहे हो मेरे को आने के लिए। ओहो तो मेरे साथ तो आंटी अच्छा जॉब लग गई है, तो फिर क्या कर सकते हैं भाई लोग। अब तो कब जा रहे हो जॉब के लिए? दो तीन दिन में। क्या जॉब लगी है? कंपनी में। कौन सी कंपनी? अच्छा नोएडा में। तो अभी तो चल, अभी तो आंटी जब तक है तब तक तो बना दो। अरे फिर और बातें भी है ना। और बातें क्या है? तो अभी जितने दिन है मेरे साथ उठे दिन तो बना सकते ना वीडियो आंटी। यार मुझे लग रहा है दूसरा रीजन है, आप अभी इसने बोला वीडियो चक्कर से। कौन सी वीडियो चक्कर से? फोन वाली वीडियो। अब तो भाई तो वही तो बात है आंटी, मैंने इसको बोला, इसको इसको कौन सा फोन दे दिया मैंने? फोन दिया तुमको मैंने? अरे आंटी देखो मैंने देखो मैं इसकी बात ना मैं समझ गया था, मैं फ़ोन लेके आया था एज ए गिफ्ट इसके लिए, मैंने इसको फ़ोन देने लाया था, फिर मैं इससे गुस्सा भी था कि मतलब फ़ोन नहीं ले रही है, तो उसने मेरे को बताया कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, ऐसे फ़ोन नहीं ले सकती, और इसने बताया कि जो भी इसने मतलब फ़ोन वोन लिया सब खुद के पैसे से लिया है। तो मैंने कहा ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को बोली अगर फ़ोन सस्ता तो मैं ले लेती, लेकिन फ़ोन बहुत महंगा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर फैमिली अगर कोई बात आ रही है तो मेरी वैसे कोई दिक्कत है तो मैं नहीं देता फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे वीडियो में तो बना मत करो आंटी प्लीज़। ऐसे अगर ऐसे वीडियो बना करोगे तो फिर कैसे चलेगा ना, अभी लोग पहचानते हैं इसको, जानते हैं सब। बात अभी तो लोग ही बना रहे हैं ना। अरे आंटी तो वो तो सब सॉल्व ये भी है आंटी, किसी को जवाब दोगे आप? बट अब देखो प्रॉब्लम्स तो देखो आंटी आती है ना, अभी देखो कौन नहीं जानता इस लड़की को, सब जानते हैं कि भाई यहाँ पे सिस्टी है, सब जानते हैं ऑलमोस्ट पूरा पिरुमदारा पूरा रामनगर, और इंडिया से भी हमें काफ़ी लोग पसंद करते हैं देखना, और मतलब बाहर से भी काफ़ी लोग हैं जो देखना चाहते हैं हमें, तो ऐसा ठीक भी नहीं लगेगा ना कि एकदम से चली चली आएगी फिर जॉब में। आंटी प्लीज़ ना भेज दो ना उसको आंटी वीडियो, क्या हो गया आज? दो दो दिन तो है, जितने दिन भी है अभी 1 तारीख से होगा ना तुम्हारा ज्वाइनिंग, पहले काय को आंटी अभी तो भेज दो ना, कुछ दिन के लिए तो है ही, अब नहीं भेजोगे ऐसे वीडियो के लिए? अरे यार प्लीज़ आंटी प्लीज़ ना। अरे यार वही जाऊँ पक्का फिर मैं, अब नहीं आओगे तुम वीडियो में? अरे यार चलो ठीक है आंटी, फिर अब प्रॉब्लम है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ ना, वो आपकी मर्जी, आपकी लड़की है, आप जो बोलोगे वही होगा। चलो ठीक है फिर बाय। ठीक है आंटी नमस्ते, चलता हूँ, बाय बाय। मेरा बैग तो गाइस सीन हो गया। आंटी प्लीज़ एक बार सोच लेना इसको, अगर भेजना हो तो ना, अगर साथ में चल सक, अगर वो अगर चाहे तो ये आ सकती है। अभी तो 2-4 दिन है वैसे, थोड़ा ना लोगों को इग्नोर करना सीखो ना, फिर लोगों का बोलना ही है। तुम कहाँ जा रहे हो अभी? मैं भी रामनगर जा रहा था। छोड़ दूँ? छोड़ दो आंटी इसको, चलो आ जाओ। ओए मना लूटा मम्मी को यार। यार सो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से रामनगर के लिए, एंड इसको भी रामनगर जाना है तो इसको ड्रॉप कर दूंगा। सो भाई लोग अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से रामनगर के लिए, एंड सिस्टी भाई मेरे साथ अब कभी शायद वीडियो में नहीं आएगी, उसकी मम्मी ने मना कर दिया है। ये आईफोन ने भाई इतना बैंड बजा दिया मैं क्या बोलूँ। एंड इसी जॉब लग गई भाई नोएडा में, काफी चीजें थी भाई लोग जो मतलब कैमरे में मैंने नहीं बताई है। आंटी ने मेरे से बोला कि तू कैमरा बंद करो मुझे कुछ बताना है, तो आंटी ने मेरे को बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो काइंड ऑफ मतलब मजबूरी आंटी की भी, और आंटी ने मना कर दिया कि अभी वीडियो में नहीं आ सकती।
तो भाई उनकी ड्यू रिस्पेक्ट में भाई अब सृष्टि को शायद व्लॉग में नहीं लाऊंगा अपने, एंड ना ये मेरे से कभी मिलने आएगी, ये लास्ट वीडियो हो सकती है इसके साथ है। अगर आंटी आगे कभी मान गई तो शायद ये वीडियो में आए। एंड द मेन थिंग इज भाई लोग इसकी जॉब लग गई है दिल्ली में नोएडा साइड, तो वहाँ पर ही अब जॉब वगैरह करेगी और अब फिर उमदरा में हमें मिलेगी नहीं कभी भी, थोड़ा बुरा लग रहा है। चलो उसको ड्रॉप कर देते हैं एंड जब ये जाएगी तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके साथ एक लास्ट वीडियो और बना ले। गाइस ये देखो रावण का सर, गाइस ये देखो कितना बड़ा रावण का सर है, सर देख रहे हो? ओहो भाई एक बार मम्मी को और मनाना यार। हाँ यार फिर भी ना बोलो ना कि और लोग ही बातों में ना यार प्लीज। अरे तो तुम्हारी जॉब सच में लग गई, अब तुम जॉब करोगी, वहाँ लोग तो बचानेंगे नहीं कि तुम सृष्टि हो। फोन है इसमें तुम्हारा, ट्राई कर लेना वरना है ना यार एकदम से तुम चली जाओगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तुमने तो पता सरप्राइज दे दिया मेरे को आज इतना तगड़ा वाला, क्या तो देख लेना है फिर है ना, वो मम्मी से पूछ लेना एक बार, फिर भी एक बार ट्राई कर लेना मान जाए तो। अगर अरे तो तब तक जब तक हो तब तक तो साथ में रहो, बात कर रहे तो साथ में काम कर लेंगे ना। तो फिर क्या फिर? अरे यार सृष्टि टाइम लास्ट टाइम पूछ लेना यार, तुम ऐसे चली आओगी दो दिन बाद चली आओगी, मिलके नहीं आओगी मुझ जाओगी मुझसे? चलो जाओगी तो मिलके जाना फिर, ठीक है? मैंने अगर हो सके तो फिर, अगर मत ही जाना मैं तो बोलूँगा, लेकिन अगर जाओगे तो फिर मिलके जाना ठीक है मेरे से। चलो बाय टेक केयर। और बाय लोग लास्ट वीडियो सृष्टि के साथ ही, कल से नहीं आएगी हमारे साथ वीडियो में तो क्या ही कर सकते हैं। चलो ठीक है फिर बाय। भाई अच्छा खासा व्लॉग बनाने निकला था घर से और मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना मैं क्या ही बताऊँ। तो इस व्लॉग को गाइस मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद तो क्या ही आना है भाई लोग, अब सृष्टि वीडियो में नहीं आएगी। अगर गाइस सृष्टि वीडियो में नहीं आएगी तो क्या आप लोग मुझे प्यार एंड सपोर्ट नहीं करोगे? बस इतना मैं जानना चाहता हूँ, उसके होने से या ना होने से अगर फ़र्क पड़ता है तो भाई मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा और ट्राई कर लूँगा। तो मैं इस व्लॉग को गाइस यहीं पे एंड कर रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भाई लोग नए आ रखे इस चैनल पर। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम S3K व्लॉग। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, जय श्री राम।